सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है और सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, तीन पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा। बड़ा विचित्र है वो, लोहे की तांबे की सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार करकर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव अधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता, जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ, बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता, ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया, और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई, और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा एक तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा शिव की। कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए,
हाँ थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर तीन कथा छत्तीसगढ़ को मिली है, आप बिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर है। यही सावन का महीना सोमवार से सोमवार तक का, यही श्रावण, एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, तीन पुरियों का निर्माण में वो रहता, तीन पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वेद्यनाथ ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्र बंद थे भगवान शिव के, और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करी, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करी है, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले, और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना, ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास।